हेलो, गुड इवनिंग। सब लोग लाइव आ जाइएगा और अपने सारे दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिए, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम, क्रैक ऑल बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम विद अस, टॉप एडुकेटर क्वालिटी कंटेंट, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। दोस्तों बता दें कि मेरा नाम है रवि प्रताप कर्ण, मेरे पास कुल 9 सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और इससे पहले मैं कई सारे इंस्टीट्यूशन से पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल में एक लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अनअकैडमी की बात करें तो टोटल 30 से ज्यादा कैटेगरीज पर ये अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप हमसे किसी भी कैटेगरी से जुड़ सकते हैं, हर एक कैटेगरी के लिए यहाँ पर बेस्ट एडुकेटर अवेलेबल है। आपके लिए मैंने बनाया है टेलीग्राम चैनल, आप इस लिंक के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ की एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे। बैंक सब्सक्रिप्शन की जहां तक बात है तो अगर आप 1 सालों के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसके लिए फी है टोटल 6,000 और 2 सालों के सब्सक्रिप्शन पर इसके लिए फी है 7,200 रुपए। लेकिन जैसे आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे आरपी के टेन, आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि 1 साल के लिए जहां पर फी थी 6,000 वहां लाएंगे 5,400 और 2 सालों के लिए जहां पर फी थी 7,200 रुपए वहां लाएंगे 6,480 रुपए। तो मेरा रेफरल कोड जरूर याद रखिएगा RPK10। अपने सारे दोस्तों को बता दीजिए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सब लोग लाइव आ जाएं जल्दी से। दिव्या टेक मैथ्स जी, वेरी गुड इवनिंग। अनामिका पाठक, गुड इवनिंग। पूजा गुलकर जी, वेरी गुड इवनिंग। सितंबर महीने का करंट अफेयर्स पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारत और किस देश के बीच पहली कार्गो फेरी सेवा शुरू की गई। फर्स्ट कार्गो फेरी सर्विस हैज बीन स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। फर्स्ट कार्गो फेरी सर्विस हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, यानी कि भारत और किस देश के बीच पहली कार्गो फेरी सेवा शुरू की गई है। पहला ऑप्शन है सूडान, दूसरा मलेशिया, तीसरा नाइजीरिया, चौथा मालदीव्स और पांचवा इथियोपिया। शिवम निधि डी डी डी, रवि रेणुका मालदीव्स, अश्वनी आनंद जी मालदीव्स, पूजा गुलकर मालदीव्स। तो क्वेश्चन था कि फर्स्ट कार्गो फेरी सर्विस हैज बीन स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो इसका आंसर होगा मालदीव्स। यानी कि हम आपको बता दें कि भारत और मालदीव के बीच कार्गो फेरी सेवा संयुक्त रूप से हिंद महासागर क्षेत्र कनेक्टिविटी पहल में एक नया अध्याय खोलने के लिए शुरू किया गया था। कार्गो फेरी सर्विसेज भारत और मालदीव के बाजारों को जोड़ने, दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश की क्षमता को अनलॉक करने के लिए, आपसी समृद्धि के बीच लोगों के संपर्क को मजबूत करने के लिए भारत द्वारा वितरित एक और प्रतिबद्धता है। फेरी सेवा महीने में 2 बार चलेंगी। मालदीव्स की बात करें तो कैपिटल कहाँ है माले, करेंसी क्या है रुपया और प्रेसिडेंट कौन सा था इब्राहिम मोहम्मद सॉली, कॉन्टिनेंट कौन सा था एशिया साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटालियन ओपन मेन सिंगल टाइटल हैज बीन वॉन बाय होम, यानी कि इटालियन ओपन पुरुष एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया है, बताइएगा आंसर। डिएगो स्क्वाट जमैन या फिर नोवाक जाकोविच, राफेल नडाल या फिर रोजर फेडरर या एंडी मरे। पहला आंसर पूजा गुलकर, नहीं, इसके बाद प्रकाश कुमार जी, डी नंबर रवि रेणुका, नोवाक शिवम निधि, नोवाक नोवाक अश्वनी आनंद, बी बी बी। तो क्वेश्चन है कि इटालियन ओपेन्स मेंस, विवेक नोवाक, प्रकाश कुमार, बी नंबर अश्वनी आनंद, बी बी बी। तो क्वेश्चन है इटालियन ओपेन मेन्स सिंगल टाइटल, इटालियन ओपन मेन सिंगल टाइटल हैज बीन वोन बाय होम। तो आपको बता दें कि इसका सही आंसर क्या है, तो नोवाक जाकोविच, यानी कि नोवाक जाकोविच ने फाइनल में डिएगो स्वार्ट्जमैन को हराकर वेस्टर्न के दक्षिणी ओपन में दूसरा कैरियर गोल्डन मास्टर्स पूरा करने के लिए 3 सप्ताह बाद रोम में इटालियन ओपन 2020 खिताब जीता।
इटली की जहां तक बात करें तो कैपिटल का रोम, करेंसी कौन सी यूरो, और प्रेसिडेंट कौन है तो सर्गियो मैट्रेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटालियन ओपन में ओमेन सिंगल टाइटल हैज बीन वॉन बाय होम, यानी कि इटालियन ओपन महिला एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया है। पहला ऑप्शन है सिमोना हैलेप, दूसरा ऑप्शन है सेरेना विलियम्स, तीसरा ऑप्शन है कैरोलिन वाजनिंकी, और चौथा ऑप्शन है एलिना स्पिटोल लीना, और पांचवा ऑप्शन है मारिया शारापोवा। पहला आंसर विवेक ए ए, शिवम निधि ए ए, रीता विलोडिया सिमोना, शिवम निधि सिमोना, रीता विलोडिया गुड इवनिंग, अश्वनी आनंद ए ए ए, अनामिका पाठक ए ए, प्रकाश कुमार ए ए, रवि रेणुका सिमोना। तो क्वेश्चन है, इटालियन ओपन ओमेन सिंगल टाइटल हैज बीन वॉन बाय होम, इटालियन ओपन महिला एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया। हम आपको बता दें कि इसका आंसर होगा सिमोना हैलेप, यानी कि सिमोना हैलेप ने गत चैंपियन कोरोलिना प्लिस्कोवा के बाद अपना पहला इटालियन ओपन खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज टॉप द फीफा रैंकिंग 2020, यानी कि फीफा रैंकिंग 2020 में किस देश ने टॉप किया, फ्रांस, ब्राजील, स्पेन, बेल्जियम या इटली। क्वेश्चन है, फीफा रैंकिंग 2020 में किस देश ने टॉप किया फीफा, क्वेश्चन है विच कंट्री हैज टॉप द फीफा रैंकिंग 2020। पहला आंसर पूजा गुलकर ए नंबर, ऑफिसर्स बब्लू यादव बेल्जियम, विवेक बेल्जियम, रवि रेणुका बेल्जियम, रीता भिलोडिया बेल्जियम, अनामिका पाठक डी नंबर, बब्लू यादव इंडिया 109, शिवम निधि बेल्जियम, प्रकाश कुमार डी, शिवम निधि डी डी डी, पूजा गुलकर डी, अश्वनी आनंद डी डी डी, शंभुनाथ मेहता जी डी नंबर। तो क्वेश्चन था कि फीफा रैंकिंग 2020 में किस देश ने टॉप किया है, इसका सही आंसर क्या है तो बेल्जियम। बेल्जियम की हम लोग जहां तक बात करें तो कैपिटल कहां, ब्रुसेल्स, करेंसी कौन सी यूरो, और प्रेसिडेंट कौन है तो चार्ल्स माइकल। फीफा जिसे हम लोग कहते हैं फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जिसके प्रेसिडेंट कौन है तो जियानी इन्फेंटिनो, इन्फेंटिनो, हेडक्वार्टर का तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली विच बैंक हैज लॉन्च द वीडियो केवाईसी फैसिलिटी आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द पायलट प्रोजेक्ट, यानी कि पायलट परियोजना में सफल समापन के बाद हाल ही में किस बैंक ने वीडियो केवाईसी सुविधा शुरू किया है। रिसेंटली विच बैंक हैज लॉन्च द वीडियो केवाईसी फैसिलिटी आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द पायलट प्रोजेक्ट, यानी पायलट परियोजनाओं में सफल समापन के बाद हाल ही में किस बैंक ने वीडियो केवाईसी सुविधा शुरू की है। पहला ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, दूसरा एसबीआई, तीसरा आईडीबीआई, चौथा एक्सिस, और पांचवा एचडीएफसी बैंक। नाटो हेडक्वार्टर, यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर, अच्छा बहुत बढ़िया। बबलू यादव जी, रवि रेणुका एच डी एफ सी, शंभुनाथ मेहता जी ई नंबर, अदिति हर्ष एच डी एफ सी, विवेक एच डी एफ सी, रीता विलोरिया एच डी एफ सी, अश्वनी आनंद एच डी एफ सी, बबलू यादव जी एच डी एफ सी, अनामिका पाठक ई, प्रकाश कुमार डी नंबर, शिवम निधि एच डी एफ सी, शिवम निधि ई। तो क्वेश्चन है कि पायलट परियोजना के सफल समापन के बाद हाल ही में किस बैंक ने वीडियो केवाईसी सुविधा शुरू की है, इसका सही आंसर क्या है तो एचडीएफसी, यानी कि हम आपको बता दें कि पायलट प्रोजेक्ट के सफल समापन के बाद एचडीएफसी बैंक ने सुरक्षित और सुरक्षित वातावरण में खाता खोलने की प्रक्रिया के दौरान भावी ग्राहक की पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक तरीके से के रूप से सहमति आधारित वीडियो केवाईसी सुविधा को तैनात किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे हम आपको बता दें प्रेजेंटिंग वीडियो केवाईसी बाय एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर कहां, मुंबई, सीईओ कौन है आदित्य पुरी, और टैगलाइंस क्या है तो वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेश वर्मा, राजेश वर्मा द चेयरमैन ऑफ कंपनी लॉ कमिटी हैज गॉट द एक्सटेंशन फॉर व्हाट टाइम, यानी कि कंपनी कानूनन समिति के अध्यक्ष राजेश वर्मा को किस समय के लिए विस्तार मिला है। तो क्वेश्चन है राजेश वर्मा द चेयरमैन ऑफ कंपनी लॉ कमिटी हैज गॉट द एक्सटेंशन फॉर व्हाट टाइम, यानी कि कंपनी कानूनन समिति के अध्यक्ष राजेश वर्मा को किस समय के लिए विस्तार मिला है। राजेश वर्मा द चेयरमैन ऑफ कंपनी लॉ कमिटी हैज गॉट द एक्सटेंशन फॉर व्हाट टाइम, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर या 5 ईयर। सीईओ आदित्य पुरी, सैलरी तक बता दिए बबलू यादव जी, बहुत बढ़िया। रीता विलोडिया 1 ईयर, रवि रेणुका 1 ईयर, संपूर्णनाथ मेहता जी सी नंबर,
अदिति हर 6 मंथ, प्रकाश कुमार सी शिवम निधि 6 मंथ, अनामिका पाठक 6, सुनी आनंद बी बी बी। तो क्वेश्चन है, राजेश वर्मा द चेयरमैन ऑफ कंपनी लॉ कमेटी हैज गॉट द एक्सटेंशन फॉर व्हाट टाइम, यानी कि कंपनी कानूनन समिति के अध्यक्ष राजेश वर्मा को किस समय के लिए विस्तार मिला है, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर या 5 ईयर। तो आपको बता दें कि इसका जो सही आंसर है वो है 1 ईयर, यानी कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी लॉ कमेटी का कार्यकाल 1 साल से बढ़ाकर सितंबर 2021 कर दिया। सितंबर 2019 में गठित कमेटी की अध्यक्षता अब कॉरपोरेट मामलों के सचिव राजेश वर्मा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटीबीपी हैज टाइड अप विद विच स्टेट टू प्रमोट एडवेंचर टूरिज्म, यानी कि आईटीबीपी ने साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ करार किया। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है केरला, तीसरा है कर्नाटका, चौथा भी कर्नाटका हो गया, थोड़ा सा ये दोनों सेम जो है ना वो ऑप्शन सेम हो गया, देख लीजिएगा, और पांचवा उत्तराखंड। तो क्वेश्चन है, आईटीबीपी ऑफिसर्स बबलू यादव उत्तराखंड, रीता बलोडिया यूके, शंभुनाथ मेहता जी ई नंबर, रवि रेणुका उत्तराखंड, अदिति हर्ष ई नंबर, ई शिवम निधि ई, अनामिका पाठक ई नंबर, विवेक यूके, पूजा गुलकर जी ई, शिवम निधि उत्तराखंड, प्रकाश कुमार ई नंबर, अश्वनी आनंद ई। तो क्वेश्चन है कि आईटीबीपी हैज टाइड अप विद विच स्टेट टू प्रमोट एडवेंचर टूरिज्म, यानी कि आईटीबीपी ने साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ करार किया है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड यूटीडीपी और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी ने राज्य में टिहरी झील में साहसिक खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए। अगर स्टेट उत्तराखंड की बात करें तो विंटर कैपिटल देहरादून, समर कैपिटल है गैरसन, और चीफ मिनिस्टर कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर कौन है, तो बेबी रानी मौर्य। ठीक, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड राइनो डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे, सेप्टेम्बर 18th, 19th, 20th, 21st या 22nd, बताइएगा क्वेश्चन का आंसर। त्रिवेंद्र सिंह रावत, बेबी रानी मौर्य, बहुत अच्छा बहुत यादव सिंह, शंभुनाथ मेहता जी ई नंबर, रवि रेणुका 22 सितंबर, ऑफिसर्स बबलू यादव 22 सितंबर, रीता बलोडिया 21st, विवेक 22, शिवम निधि 22, अश्वनी आनंद ई, शिवम निधि ई, अनामिका पाठक ई, पूजा गुलकर ई। तो क्वेश्चन है, वर्ल्ड राइनो डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे, विश्व राइनो दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो मैं आपको बता दें कि इसका आंसर होगा 22nd सितंबर, यानी कि जागरूकता बढ़ाने और इस अविश्वसनीय प्रजाति के लिए एक सुरक्षित प्राकृतिक आवास को बनाने के लिए हर साल 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में, विश्व राइनो दिवस राइनो की सभी 5 प्रजातियों को मानता है, काले सफेद अधिक से अधिक एक सिंह वाले सुमात्रा और जावन गैंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे, अंतर्राष्ट्रीय संकेत भाषा दिवस, यानी कि जो लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं परंतु वो सुन नहीं पा रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है, तो इशारों में बात करता है, ठीक है, तो इसी को जो है वो भी उसे भी जीने का एक अधिकार दिया गया। तो क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे, अंतर्राष्ट्रीय संकेत भाषा दिवस, शिवम निधि 23 सितंबर, बबलू यादव जी 23, शिवम निधि डी, रीता बिलोडिया 23, रवि रेणुका 23, शंभुनाथ मेहता जी डी नंबर, अक्षय दहाले जी डी नंबर, सुनी आनंद 23, प्रकाश कुमार डी, विवेक 23, सुनी आनंद डी, अनामिका पाठक डी, पूजा गुलकर 23 सितंबर। तो क्वेश्चन है, इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे, अंतर्राष्ट्रीय संकेत भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तुम आपको बता दें कि इसका सही आंसर होगा 23rd सितंबर, यानी कि साइन लैंग्वेज डे जो है हाथ के इशारों का उपयोग करते हुए संचार का एक तरीका है, बोलना नहीं मतलब इशारों में बात करना, जो नेत्रहीन लोगों द्वारा सुनने या बोलने में असमर्थ है। सांकेतिक भाषा अद्वितीय और बोली जाने वाली भाषाओं में स्वतंत्र है।
अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का संकेत दिवस हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है ताकि लोगों की विविधता का जश्न मनाया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके कि सुनने या बोलने की चुनौतियों के कारण कोई भी पीछे ना रहे। आपको ये फोटो ही दिख रहा होगा, सारे पता चल रहा होगा कि सुनने और बोलने, यानी कहने का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर जो है वो इशारों में बात हो रही है, यही है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतक भाषा, यानी कि जो लोग बोल या सुन नहीं पा रहे हैं वो लोग किसी भी तरीके से पीछे ना रहे। सुनिए आनंद डी 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 अनम का पाठक डी पूजा गुलकर जी 23 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु रोट द बुक वॉइस ऑफ डिसेंट, वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक किसने लिखी है? पहला ऑप्शन है अरुंधति भट्टाचार्य, दूसरा ऑप्शन है राधा नायर, तीसरा ऑप्शन है रोमिला थापर, चौथा ऑप्शन है माधव गार्गिल और पांचवा ऑप्शन है योगेंद्र यादव जी। तो क्वेश्चन है कि वॉइस ऑफ डिसेंट, वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक किसने लिखी है? रवि रेणुका, रोमिला थापर, ऑफिसर्स बबलू यादव, रोमिला थापर, अक्षय दहाले जी सी नंबर, विवेक थापर, अनामिका पाठक ए नंबर, अदिति हर्ष रोमिला थापर, शिवम निधि सीसीसी, रीता विलोडिया रोमिला, शिवम निधि रोमिला। तो जो क्वेश्चन है वो है कि हु रोट द बुक वॉइस ऑफ डिसेंट, यानी कि वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक किसने लिखी है, बताइएगा आंसर। तो हम आपको बता दें कि इसका जो सही आंसर है वो है आर रोमिला थापर, यानी कि इतिहासकार, बहुत ही अच्छी इतिहासकार है रोमिला थापर, ने अगले महीने एक ऐतिहासिक निबंध के साथ आएगी जो देश के हाल के विरोध के प्रदर्शन पर विशेष ध्यान देने के साथ अपने विशेष रूपों से इसकी अभिव्यक्ति और सार्वजनिक प्रतिक्रिया सहित असंतोष की खोज करेगी। पेंगुइन, रैंडम हाउस इंडिया और सीगल बुक्स वॉइस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए एक साथ आए हैं, यही है रोमिला थापर। ठीक, बहुत अच्छी इतिहासकार है, इनकी किताबें मैंने भी बहुत सारी पढ़ी है। रोमिला थापर जिनकी किताब है क्या, तो वॉइस ऑफ डिसेंट, समझिएगा कि ये बुक जो है ना आपका बीबीआई है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स हाउ मेनी बिल्स हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट, श्रमिकों के कल्याण के लिए संसद द्वारा कितने विधेयक पारित किए गए हैं? 1, 3, 7, 5, 6, बताइएगा आंसर। रवि रेणुका 3, शंभुनाथ मेहता जी 3, भविष्या 3, 3, 3, ऑफिसर्स बबलू यादव 3, रीता विलोड़िया 3, विवेक 3, अनामिका पाठक 3, पूजा गुलकर जी 3, शिवम निधि 3, प्रकाश कुमार 3, अच्छा दहाले जी बी नंबर, शिवम निधि बी बी बी। तो क्वेश्चन था कि फॉर द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स हाउ मेनी बिल हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट, श्रमिकों के कल्याण के लिए संसद द्वारा कितने विधेयक पारित किए गए हैं? 1, 3, 7, 5 या 6, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3 विधेयक अभी तक पारित किया गया है। राज्यसभा ने श्रमिकों के कल्याण और संरक्षण के लिए 3 श्रम संहिता विधेयक पारित किए हैं, ये बिल पहले ही लोकसभा में पारित हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इंडियन नेवी एंड विच कंट्री नेवी हैज स्टार्टेड द पैसेज एक्सरसाइज, यानी कि भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने यात्रा अभ्यास शुरू किया है? मालदीव्स, यूएसए, रशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर फ्रांस? अक्षय दहाले जी बी नंबर, शिवम निधि बी बी बी, सोनी आनंद 3 नंबर, शंभुनाथ मेहता जी डी नंबर, ऑफिसर्स बब्बू यादव ऑस्ट्रेलिया, रवि रेणुका ऑस्ट्रेलिया, भवेश ऑस्ट्रेलिया, रीता विलोडिया ऑस्ट्रेलिया, अदिति हर्ष डी डी डी, अक्षय दहाले जी डी नंबर, शिवम निधि ऑस्ट्रेलिया, अनामिका पाठक डी नंबर, पूजा गुलकर जी ऑस्ट्रेलिया, शिवम निधि डी डी डी, प्रकाश कुमार डी नंबर, अश्वनी आनंद डी डी डी। तो क्वेश्चन है कि इंडियन नेवी एंड विच कंट्री नेवी हैज स्टार्टेड द पैसेज एक्सरसाइज, यानी कि भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने यात्रा अभ्यास शुरू किया है? मालदीव्स, यूएसए, रशिया, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, तो ऑस्ट्रेलिया, यानी कि भारतीय नौसेना इंडियन नेवी ने 23 से 24 सितंबर 2020 तक पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र IOR में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना रैन के साथ एक मार्ग अभ्यास पैसेक्स करने के लिए निर्धारित किया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कैपिटल कैनबरा, करेंसी कौन सी डॉलर, प्राइम मिनिस्टर कौन है, स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास किस संस्था द्वारा उड़ान ड्रोन लॉन्च किया गया है? अभ्यास ए फ्लाइट ड्रोन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशंस,
आईआईटी बैंगलोर, डीआरडीओ, आईआईटी दिल्ली, आईसीएमआर या सीएसआईआर। क्वेश्चन है अभ्यास, ए फाइट ड्रोन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशंस। अभ्यास किस संस्था द्वारा उड़ान ड्रोन लॉन्च किया गया है? अदिति हर्ष डीआरडीओ, शिवम शंभुनाथ मेहता जी बी नंबर, भवेश झा डीआरडीओ, रवि रेणुका डीआरडीओ, विवेक डीआरडीओ, अनामिका पाठक जी बी नंबर, शिवम निधि डीआरडीओ, रीता विलोडिया डीआरडीओ, प्रकाश कुमार डीआरडीओ, अक्षय दहाले जी बी नंबर, पूजा गुलकर डीआरडीओ, अश्विनी आनंद डीआरडीओ। तो क्वेश्चन था अभ्यास ए फ्लाइट ड्रोन हैज बीन लॉस्ट बाय विच ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डीआरडीओ। यानी कि हम आपको बता दें कि भारतीय सशस्त्र बलों में एक प्रमुख पढ़ावा रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने 22 सितंबर को अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का सफल उड़ान परीक्षण किया। उड़ान परीक्षण ओडिशा के इंटरसीम टेस्ट रेंज बालासोर से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीआरडीओ हैज सक्सेसफुली टेस्ट एंटिंग लेजर गाइडेड टैंक मिसाइल फ्रॉम विच स्टेट। डीआरडीओ ने किस राज्य से एंटी लेजर गाइडेड टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटका, चौथा महाराष्ट्र और पांचवा ओडिशा। बैंकिंग का क्लास ले रहे हैं शंभुनाथ मेहता जी, सुबह आप याद रखिएगा सुबह के 9:30 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरी स्पेशल क्लास के रूप में बैंकिंग की क्लास आ रही है, ठीक है। रीता विलोडिया ओडिशा, रवि रेणुका महाराष्ट्र, भवेश झा ओडिशा, शंभुनाथ मेहता जी ई नंबर, विवेक ओडिशा, शिवम निधि ई नंबर, ऋतुराज ई, अनामिका पाठक ई नंबर, पूजा गुलकर ओडिशा, शिवम निधि ओडिशा, अश्विनी आनंद ई नंबर। तो क्वेश्चन है डीआरडीओ हैज सक्सेसफुली टेस्ट एंटी लेजर गाइडेड टैंक मिसाइल फ्रॉम विच स्टेट। यानी कि डीआरडीओ ने किस राज्य से एंटी लेजर गाइडेड टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र या ओडिशा। इसका जो सही आंसर है मैं आपको बता दें, इसका सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। यानी कि डीआरडीओ द्वारा महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। महाराष्ट्र की बात करें तो कैपिटल मुंबई, चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मेडिकल डिवाइस पार्क्स इन इंडिया विल एस्टेब्लिश इन विच स्टेट। भारत का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश या केरला। सत्येंद्र इंदोलिया जी वेरी गुड इवनिंग, अक्षय दहाले जी डी नंबर, विवेक डी। तो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, फर्स्ट मेडिकल डिवाइस पार्क्स इन इंडिया विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट। भारत का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? अक्षय दहाले जी डी नंबर, विवेक डी, सत्येंद्र इंदोलिया डी नंबर, शिवम निधि ई, अनामिका पाठक डी नंबर, शंभुनाथ मेहता जी डी नंबर, रवि रेणुका ई नंबर, अश्वनी आनंद ई, सी शॉप ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग ए नंबर। वाह बहुत बढ़िया नाम रखे हो भाई। तो क्वेश्चन है कि फर्स्ट मेडिकल डिवाइस पार्क्स इन इंडिया विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट। तो इसका सही आंसर होगा केरला, ठीक है। किसी ने नहीं दिया था आंसर केरला, एक शिवम निधि बोले थे ई, रवि रेणुका का आंसर सही है, अश्वनी आनंद सही है, ठीक है। तो मेद स्पार्क तिरुवनंतपुरम जिले में थोनंकल कक्कल, नाम थोड़ा सा साउथ का ऐसा ही रहता है, लाइफ साइंस पार्क में स्थापित होने जा रहा है। मेडिकल डिवाइसेस पार्क को श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी ने एक संस्थान और केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम की एसआईडीसी के संयुक्त पहल के रूप में परिकल्पित किया गया है, ठीक। केरल की बात करें तो कैपिटल तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिन्नरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप किसने जीता? हु हैज वॉन द ब्रुक वाटर गोल्फ वोमेन चैंपियनशिप?
पहला ऑप्शन है सिमोना हैलेप, दूसरा ऑप्शन है सोफिया कैनिन, चौथा ऑप्शन है नाओमी ओसाका, पांचवा ऑप्शन है असली बैरटी और पांचवा ऑप्शन है किकी बैटेंस। बताइएगा आंसर। पूजा गुलकर जी डी नंबर, विवेक हो गया नाओमी, पूजा गुलकर डी, शिवम निधि ई ई ई। रीता विलोडिया सी सी सी, अनामिका पाठक सी नंबर, पूजा गुलकर बैटी, अश्विनी आनंद ई ई, शंभुनाथ मेहता जी डी नंबर। रवि रेणुका ई नंबर। तो क्वेश्चन था कि हु हैज वन द ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब चैंपियनशिप, वुमेन्स चैंपियनशिप, ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब वुमेन चैंपियनशिप किसने जीता। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा असलेग बैटी, यानी कि डी नंबर। विश्व की नंबर वन महिला टेनिस खिलाड़ी एस्ले बार्टी ने ब्रिस्बेन के पास एक ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब में महिला गोल्फ चैंपियनशिप जीता है। ठीक, यही है एस्ले बार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट अमेरिकन प्लेयर टू ज्वाइन आईपीएल, आईपीएल में शामिल होने वाला पहला अमेरिकी खिलाड़ी कौन सा है। पहला ऑप्शन है सौरव नेत्रवालकर, दूसरा ऑप्शन है अली खान, तीसरा ऑप्शन है स्टीवन टेलर, चौथा ऑप्शन है जेवियर मार्शल और पांचवा ऑप्शन है तिमिल पटेल। ऐसे में आपको बता दें कि अमेरिका का जो क्रिकेट है वो इंटरनेशनल मानक पे बहुत ही कम खेला जाता है। तो क्वेश्चन है कि हु इज द फर्स्ट अमेरिकन प्लेयर टू ज्वाइन आईपीएल, आईपीएल में शामिल होने वाला पहला अमेरिकी खिलाड़ी कौन है। देखते हैं किसका आंसर सही होता है। पहला आंसर पूजा गुलकर जी, अली खान, शिवम निधि बी 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 नंबर, शंभुनाथ मेहता जी बी नंबर, अश्विनी आनंद बी बी बी। तो क्वेश्चन है कि हु इज द फर्स्ट अमेरिकन प्लेयर टू ज्वाइन आईपीएल, तो इसका आंसर हो जाएगा अली खान, यानी कि तेज गेंदबाज अली खान कोलकाता नाइट राइडर्स टीम में शामिल किए जाने वाले, इंडियन प्रीमियर लीग में शामिल होने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले खिलाड़ी हैं। फास्ट बॉलर अली खान, फास्ट बॉलर अली खान हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स टू ज्वाइन द इंडियन प्रीमियर लीग आफ्टर बीइंग इंक्लूडेड इन द कोलकाता नाइट राइडर्स स्क्वाड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु रोट द बुक किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी कि किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड पुस्तक किसने लिखी है। पहला ऑप्शन है संजीव कपूर, दूसरा ऑप्शन है कुणाल कपूर, तीसरा ऑप्शन है रणबीर बरार, चौथा ऑप्शन है सिप्रा खन्ना और पांचवा ऑप्शन है विकास खन्ना। ठीक है, पहला आंसर रीता भिलोडिया जी, बहुत बढ़िया, विकास खन्ना, अदिति हर्ष ई ई ई, विवेक विकास, अनामिका पाठक ई नंबर, शंभुनाथ मेहता जी ई, पूजा गुलकर विकास खन्ना। तो क्वेश्चन है कि हु रोट द बुक किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, सत्येंद्र रेंदोलिया जी ई नंबर। तो क्वेश्चन है हु रोट द बुक किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो विकास खन्ना, विकास खन्ना किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड पुस्तक लिखी है। मैंने आपको बता दूं यही विकास खन्ना जी को एशिया गेम चेंजर अवार्ड भी मिला है, बस इसलिए क्योंकि इन्होंने कोविड 19 के समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया है। कोविड 19 के समय में कौन, विकास खन्ना, यानी विकास खन्ना हैज रोट द बुक किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी विकास खन्ना ने किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मोक्ष कलश योजना 2020 किस राज्य में शुरू की गई है। मोक्ष कलश योजना 2020 हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पहला ऑप्शन केरला, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा है राजस्थान, चौथा है गुजरात और पांचवा है तमिलनाडु। सत्येंद्र इंदोलिया जी ई नंबर, अश्विनी आनंद बी बी बी, रवि रेणुका विकास,
रीता भिलोडिया राजस्थान, विवेक राजस्थान, शिवम निधि सीसीसी, ये क्या नाम है भाई, 816 BOE5SXC राजस्थान, भैया कुछ अच्छा नाम रख लो, शंभुनाथ मेहता जी सी नंबर, अनामिका पाठक सी, पूजा गुलकर जी राजस्थान, अश्वनी आनंद सी 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 वी, प्रकाश कुमार सी नंबर, अशोक गहलोत 816 बैको ईवे, क्या सब है पता नहीं, नाम ही नहीं हम आपका पढ़ पा रहे हैं। चलिए आपका आंसर सही है लेकिन आप नाम नहीं हम पढ़ पा रहे हैं, नाम थोड़ा चेंज कर लीजिए मेरे लिए सहूलियत होगा। तो क्वेश्चन है क्या कि मोक्ष कलश योजना 2020 किस राज्य में शुरू की गई है, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा राजस्थान, यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की उस योजना को मंजूरी दी जिसमें हरिद्वार में गंगा अपने प्रियजनों की राख विसर्जित करने के लिए एक परिवार के दो सदस्यों को मुफ्त बस यात्रा की अनुमति दी गई थी। राज्य सड़क परिवहन निगम इस योजना को चलाने के लिए नोडल एजेंसी होगी जिसका नाम मोक्ष कलश योजना 2020 होगा और इस पर आने वाला खर्च देवस्थान विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है, राजस्थान की बात करें हम लोग तो कैपिटल कहाँ है, तो जयपुर, और चीफ मिनिस्टर कौन है, अशोक गहलोत, गवर्नर कौन, तो कालराज मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन विच स्टेट, यानी कि 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है गोवा, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है बिहार और पांचवा है मध्य प्रदेश, बताइएगा इसका आंसर। शंभुनाथ मेहता जी बी नंबर, रीता विलोडिया गोवा, अदिति हर्ष गोवा, 816 BOE5SXC गोवा, प्रकाश कुमार पी नंबर, विवेक गोवा, शिवम निधि गोवा, शिवम निधि बीबीबी, अनामिका पाठक गोवा, सुनी आनंद बीबीबी, पूजा गुलकर गोवा। तो क्वेश्चन था कि 51वां इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन विच स्टेट, 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, राजस्थान, गोवा, छत्तीसगढ़, बिहार या मध्य प्रदेश। तो आपको बता दें कि इसका जो सही आंसर है वो होगा क्या, तो गोवा, यानी कि गोवा में 20 से 28 नवंबर तक आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 51वां संस्करण अगले साल 16 से 24 जनवरी तक स्थगित कर दिया गया है। यह एक हाइब्रिड प्रारूप से आयोजित किया जाएगा जो दोनों आभासी और शारीरिक, यानी कि वर्चुअल और फिजिकल दोनों होगा ये। ठीक, 51 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा, कैपिटल पणजी, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत और गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी, जैसे कि अभी आप IPL का मैच जो है वर्चुअली रूप में देख रहे होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्माइल टोरोमा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, इस्माइल टोरोमा हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, पहला ऑप्शन है इंडोनेशिया, दूसरा ऑप्शन है मलेशिया, तीसरा ऑप्शन है थाईलैंड, चौथा ऑप्शन है बोंगीविले और पांचवा ऑप्शन है पापियू निगीना। अच्छा, जनवरी 2021 में पोस्टपोन्ड हो गया COVID-19। ओके, इस्माइल टोरोमा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक, तो हम आपको बता दें कि विद्रोही सैन्य कमांडर इस्माइल टोरोमा बेगुने विले के राष्ट्रपति बने हैं, बेगुने विले। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, UN एंड विच कंट्री विल को होस्ट द ग्लोबल क्लाइमेट समिट, यानी कि संयुक्त राष्ट्र और कौन सा देश वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी करेगा, इंडिया, USA, ब्रिटेन, रशिया या ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन है कि UN एंड विच कंट्री विल को होस्ट द ग्लोबल क्लाइमेट समिट, यानी कि संयुक्त राष्ट्र और कौन सा देश वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी करेगा, इंडिया, USA, ब्रिटेन, रशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, यानी कि हम आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन ने घोषणा की कि वे 12 दिसंबर को ऐतिहासिक पेरिस समझौते की 5वीं वर्षगांठ पर वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी करेंगे। ब्रिटेन, कैपिटल लंदन, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, करेंसी पॉन्ड,
और चांसलर कौन है, रिशी सोनक, और कॉन्टिनेंट कौन सा था, यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीन डॉन, डीन डॉन पूर्व क्रिकेटर का हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश से थे। तो क्वेश्चन है, डीन डॉन फॉर्मर क्रिकेटर हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज फ्रॉम विच कंट्री। पहला ऑप्शन इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है आयरलैंड, तीसरा ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, चौथा न्यूजीलैंड और पांचवा है ऑस्ट्रेलिया। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। रीता विलोडिया ऑस्ट्रेलिया, विवेक ऑस्ट्रेलिया, 816 बे ऑस्ट्रेलिया, शंभुनाथ मेहता जी ई नंबर, नामिका पाठक ऑस्ट्रेलिया, प्रकाश कुमार ई नंबर, पूजा गुलकर ऑस्ट्रेलिया, शिवम निधि ई नंबर, सुनी आनंद ऑस्ट्रेलिया, रितिका आहूजा ऑस्ट्रेलिया, नेक्स्ट है रवि रेणुका ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन है कि डीन टॉन फॉर्मर क्रिकेटर हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री, यानी कि डीन टॉन पूर्व क्रिकेटर का हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश से थे, इंग्लैंड, आयरलैंड या फिर साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया। तो मैं आपको बता दें कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर और प्रसिद्ध कमेंटेटर डीन जॉन्स का मुंबई में बड़े पैमाने पर कार्डियक अरेस्ट के बाद निधन हो गया, वो 59 वर्ष के थे। उनके खेलने के दिनों में जोन्स ने कमेंट्री में जाने से पहले 1984 से 1994 के बीच ऑस्ट्रेलिया के 52 टेस्ट और 164वां एक दिवसीय मैच खेले। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कैपिटल का कैनबरा, करेंसी कौन सी डॉलर, प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल पायलट ऑफ राफेल, राफेल की पहली महिला पायलट कौन सी बनी है, अवानी चतुर्वेदी, भावना कंठ, शिवांगी सिंह या मोहना सिंह जित्रवल या सैलिजा धामी। रेवाठी पोनम जी ई नंबर, गुडी मेटला, गुड्डी मेटला, सौगंधी का सी नंबर, अदिति हर, शिवांगी सिंह, रीतिका हुजा, शिवांगी सिंह, शिवम निधि सी, अखिल राज सी नंबर, रीता विलोडिया शिवांगी, पूजा गुलकर शिवांगी, अनामिका पाठक सी नंबर, शंभुनाथ मेहता जी सी, प्रकाश कुमार सी नंबर, शिवम निधि शिवांगी सिंह, अखिल राज सी, 816 बे इको ईव 5SXC शिवांगी, सुनिया आनंद सी, रवि रेणुका शिवांगी। तो क्वेश्चन है, Who has become the first female pilot of Rafael? यानी कि राफेल की पहली महिला पायलट कौन सी बनी है, तो इसका सही आंसर होगा शिवांगी सिंह। यानी हम आपको बता दें कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनने वाली है, शिवांगी सिंह। क्वेश्चन था कि राफेल की पहली महिला पायलट कौन बनी है, हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल पायलट ऑफ राफेल, तो इसका जो सही आंसर होगा शिवांगी सिंह, ठीक, शिवांगी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए के दास हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ विच बैंक, ए के दास को किस बैंक का प्रशासक नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन है सारस्वत बैंक, दूसरा ऑप्शन है आंध्रा बैंक, तीसरा ऑप्शन है जनता सहकारी बैंक, चौथा पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक और पांचवा है कॉर्पोरेशन बैंक। जो भी नाम है पढ़ ही लेते हैं। अखिल राज जी गोल्डन एरो, शिवम निधि डीडीडी, रवि रेणुका पीएमसी, विवेक पीएमसी, 816 बायो ईबीएक्स 5SCX पीएमसी, आदित्य हर्ष डीडीडी, पूजा गुलकर डी नंबर, नामिका पाठक पीएमसी, रीता भिलोडिया डीडीडी, शंभुनाथ मेहता जी डी नंबर, रेवाठी पोनम जी पीएमसी, रितिका आहूजा पीएमसी। तो क्वेश्चन है कि ए के दास हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ विच बैंक, यानी ए के दास को किस बैंक का प्रशासक नियुक्त किया गया है। तो हम आपको बता दें इसका आंसर होगा पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक,
ये बैंक चर्चा में रहा था अभी हाल में ही, क्योंकि इस बैंक के जो है वो अपने आप में एक बैंक करप्सी की बात चल रही थी, जिसको लेकर के इसमें प्रतिबंध लगा दिया था कुछ दिनों तक निकासी के लिए, डीआईसीसी के कवरेज को बढ़ाया गया और इस बैंक को जो है दिवालिया होने की बात हो रही थी, जिसको लेकर के डीआईसीसी ने जो इंश्योरेंस कवरेज होता था 1,00,000 रुपया पर डिपोजिटर पर बैंक, उसको बढ़ाकर 5,00,000 रुपया पर डिपोजिटर पर बैंक किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020, विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है, बताइएगा। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020, यानी कि विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है, 42, 48, 75, 87 या 89। अनामिका पाठक, पीएमसी, रीता विलोडिया, डीडीटी, शंभुनाथ मेहता जी, डी नंबर, रेवाठी पूनम, पीएमसी, रीतिका आहूजा, पीएमसी, रेवाठी पूनम 89, रीता विलोडिया 89, शिवम निधि 48, शंभुनाथ मेहता जी ई नंबर 816, बायो EVE5 SSXC 75, प्रकाश कुमार 89, रवि रेणुका ई नंबर, अश्वनी आनंद 75, पूजा गुलकर 89। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020, यानी कि विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है, तो इसका आंसर होगा 89। ठीक, याद रखिएगा, यानी कि भारत WRI 2020 पर 181 देशों में 89वें स्थान पर है और बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बाद दक्षिण एशिया में चौथा सबसे अधिक जोखिम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द रीजनल एम्बेसडर ऑफ यूनेट UNED, किसे UNED के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, पहला ऑप्शन सतवीर सिंह, दूसरा है दिनेश भाटिया, तीसरा है खुशी चिंदालिया, चौथा है पीयूष श्रीवास्तव और पांचवा है संगीता बहादुर। मणिकेश्वरी सिलिगम जी, नाम ही काफी है, मेरा नाम है रवि प्रताप कर्ण, सर्च करिएगा मिल ही जाएंगे। प्रीत कौर सी नंबर, अनामिका पाठक डी, शंभुनाथ मेहता जी डी, शिवम निधि खुशी 816, बैव को EB5XC, खुशी, रेवाटी पूनम जी सी नंबर, अश्वनी आनंद सी, अदिति हर्ष सी, प्रकाश कुमार सी, रीता विलोडिया CCC, रवि रेणुका खुशी, विवेक CC। तो क्वेश्चन है किसे UNED के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर होगा खुशी चिंडालिया। यानी कि हम आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम टूंजा इको जेनरेशन ने हाल ही में 17 वर्षीय खुशी चिंदालिया को भारत के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। ठीक, खुशी चिंदालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन फिल्म स्टार अपीयर इन टाइम मैगजीन्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपुल ऑफ 2020, यानी कि 2020 के टाइम पत्रिका के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में कौन सा भारतीय फिल्म स्टार है, पहला ऑप्शन है अपार शक्ति खुराना, दूसरा आयुष्मान खुराना, तीसरा राजकुमार राव, चौथा जितेंद्र कुमार और पांचवा है कार्तिक आर्यन, बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। पूजा गुलकर जी सी नंबर, रवि रेणुका खुराना, अदिति हर्ष आयुष्मान खुराना, दीपक आर्या जी बी नंबर, रीता विलोडिया आयुष, रेवाटी पूनम BBB, 816 बैव EBX आयुष्मान, गुट्टेमाला सौगंधा सौगंधिका जी बी नंबर, शंभुनाथ मेहता जी बी नंबर, शिवम निधि BBB, राजकुमार, गुड इवनिंग राजकुमार जी, अनामिका पाठक बी नंबर, पूजा गुलकर बी, प्रकाश कुमार बी, अश्वनी आनंद, आयुष, राजा कुमार। अच्छा, तो क्वेश्चन था कि विच इंडियन फिल्म स्टार अपीयर इन द टाइम मैगजीन्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपुल ऑफ 2020, यानी कि 2020 के टाइम पत्रिका के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में कौन सा भारतीय फिल्म स्टार है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए राजा कुमार जी, लॉकडाउन के बाद हम फिर से मिलेंगे आपको। इसका जो सही आंसर है वो है आयुष्मान खुराना, यानी कि अभिनेता आयुष्मान खुराना टाइम पत्रिका के 2020 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय फिल्म स्टार है। एक्टर आयुष्मान खुराना इज द वनली इंडियन फिल्म स्टार टू फीचर इन टाइम मैगजीन्स
100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2020 लिस्ट। संजोग है कि ये ड्रग गैंग से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसर इंडिया, यानी एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन KL राहुल, दूसरा ऑप्शन सोनू सूद, तीसरा ऑप्शन है आयुष्मान खुराना, चौथा ऑप्शन है कार्तिक आर्यन और पांचवा ऑप्शन है युवराज सिंह। देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही होता है। अभी नहीं, अभी ऑनलाइन पढ़ो राजा जी। अनाम का पाठक थैंक्स। अच्छा, गौडी मेला सौगंधिका बी नंबर। अदिति हर्ष, सोनू सूद, शिवम निधि, बीवी बी, राजा कुमार बी नंबर, प्रकाश कुमार बी, रीता विलोडिया सोनू जी, शिवम निधि, सोनू सूद, अनामिका पाठक जी बी नंबर, विवेक सोनू। 816 बैओ ईबीए 5XCX सानू। रेवाटी पूनम जी सोनू सूद, सूद राजकुमार सोनू, शंभुनाथ मेहता जी बी नंबर, अश्विनी आनंद बी, पूजा गुलकर जी बी बी बी, रवि रेणुका सोनू सूद, राजा कुमार सोनू सूद, दीपक आर्या जी बी नंबर, हिमांशु शेखर बी। तो क्वेश्चन था कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसर इंडिया, यानी एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो होगा सोनू सूद। सोनू सूद, यानी कि हम आपको बता दें, प्रमुख प्रीसी ब्रांड एसर इंडिया ने घोषणा की कि बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सोनू सूद इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। अभिनेता को प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के बारे में बात है कि माध्यम से लोगों को जीवन को बेहतर बनाने के लिए एसर की प्रतिबद्धता के बारे में बात करने के अभियान से मीडिया प्लेटफॉर्म भर में उत्पादों की नवीन रेंज का समर्थन करते हुए देखा जाएगा। एसर इंडिया द लीडिंग पीसी ब्रांड अनाउंस बॉलीवुड वेला नोन एज एक्टर सोनू सूद एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। द एक्टर विल बी सीन इंडोर्सिंग द ब्रांड इनोवेटिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट अक्रॉस मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर कैंपेन टू टॉक अबाउट एसर कमिटमेंट टू इम्प्रूविंग पीपुल्स लाइव्स थ्रू टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे, विश्व समुद्री दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड मैरीटाइम डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे, विश्व समुद्री दिवस किस दिन मनाया जाता है? सेप्टेंबर 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th। अच्छा 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 राजा कुमार जी, बहुत बढ़िया से याद आ गया। क्वेश्चन है वर्ल्ड मैरीटाइम डे, रेवाटी पूनम जी 24, प्रकाश कुमार 21, शंभुनाथ मेहता जी ए नंबर, विवेक 21, शिवम निधि 24, दीपक आर्या जी ए, रीता विलोडिया 24, 816 बैओ ईबी 5XC 24 सितंबर। भाई तुम्हारा नाम पढ़ने में मेरी हालत खराब हो जाती है। रीता विलोडिया 24, रवि रेणुका 24, राजा कुमार 24, अनामिका पाठक 24, राजा कुमार 24 सितंबर, हिमांशु शेखर जी 24, राजा कुमार 24 सितंबर। तो क्वेश्चन है कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डे, वर्ल्ड मैरीटाइम डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डे, तो इसका आंसर होगा 24 सितंबर, यानी कि विश्व समुद्री दिवस वार्षिक रूप से गुरुवार को सितंबर के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। घटना की तारीख वर्ष और देश के अनुसार बदलती है। इस वर्ष विश्व समुद्री दिवस 24 सितंबर 2020 को मनाया जाएगा, जो कि महामारी के कारण सामाजिक विकृति के उपायों के कारण एक ऑनलाइन कार्यक्रम के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन दुराचारी, ऑपरेशन दुराचारी हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट, ऑपरेशन दुराचारी किस राज्य में शुरू किया गया है? ठीक, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। 816 पढ़े बस, चलो बहुत बढ़िया। राजा कुमार जी, अभी हम क्लास ले रहे हैं पटना से, लेकिन फिर मैं दिल्ली की तरफ मूव करूंगा। ठीक, क्वेश्चन है ऑपरेशन दुराचारी, ऑपरेशन दुराचारी हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट, ऑपरेशन दुराचारी किस राज्य में शुरू किया गया है?
इस बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़, तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। यानी कि ऑपरेशन दुराचारी नामक पहल के तहत उत्तर प्रदेश सरकार राज्य भर के प्रसिद्ध सड़क क्रॉसिंग पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न और अन्य अपराधों पर आरोपियों को पोस्टर लगाएगी। ठीक, जो भी आरोपी होंगे जो यौन उत्पीड़न के खिलाफ कुछ करेंगे उनका पोस्टर जो है वो रोड पे लगाया जाएगा, ऐसा कहा है योगी जी ने। ठीक, और इनके कड़ा कानून जो है वो उस राज्य के लिए फायदेमंद है। आप किसी भी तरह के छेड़खानी में पकड़े गए या कुछ उल्टा पुल्टा आपने किया तो आपकी पोस्टर रोड पे लगा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की बात है, कैपिटल लखनऊ, चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर कौन है तो आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द मिसाइल विच हैज बीन टेस्टेड सक्सेसफुली इन इंडिया रिसेंटली। उस मिसाइल का नाम बताइए जिसका हाल ही में भारत में सफल परीक्षण किया गया है। उस मिसाइल का नाम बताइए जिसका हाल ही में भारत में सफल परीक्षण किया गया है। अग्नि 6 या DF-41 या ध्रुव शास्त्र या पृथ्वी सेकेंड या क्रूस मिसाइल। आएंगे आएंगे राजा कुमार जी, जरूर आएंगे, कोविड 19 खत्म होते ही हर जगह आएंगे। अनामिका पाठक ई नंबर, रेवाटी पूनम जी डी नंबर, हिमांशु शेखर सी नंबर, 816 अग्नि 2 कहाँ है ऑप्शन में, अनीता भिलोडिया DDD, अदिति हर्ष CCC, राजा कुमार ए नंबर, शिवम निधि DDD, प्रकाश कुमार सी नंबर। क्वेश्चन है नेम द मिसाइल विच हैज बीन टेस्टेड सक्सेसफुली इन इंडिया रिसेंटली। उस मिसाइल का नाम बताइए जिसका हाल ही में भारत में सफल परीक्षण किया गया। तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वी 2। यानी हम आपको बता दें कि 23 सितंबर को भारत ने ओडिशा में एक बेस से सेना द्वारा उपयोगकर्ता परीक्षण के तहत स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम सतह से सतह पर पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल रात्रि परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ मनी ऑफ नोबेल प्राइस has been increased from this year by how much? यानी कि नोबेल पुरस्कार की मूल्य राशि इस वर्ष कितना बढ़ाया गया है। तो क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार की मूल्य राशि को इस वर्ष कितना बढ़ाया गया है। द प्राइस ऑफ मनी ऑफ नोबेल प्राइस हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम दिस ईयर बाय हाउ मच। यानी कि नोबेल पुरस्कार की मूल्य राशि को इस वर्ष कितना बढ़ाया गया है। 250,000 क्राउन्स या 500,000 क्राउन्स या 750,000 क्राउन्स या 1,000,000 क्राउन्स या फिर 2,000,000 क्राउन्स। रीता भिलोडिया DDD, अदिति हर सी नंबर, राजा कुमार ए, शिवम निधि डी नंबर। विकास कुमार सी नंबर, शंभुनाथ मेहता जी डी, दीपक आर्या डी नंबर, पूजा गुलकर डी नंबर, अनामिका पाठक मोबाइल चार्ज डी नंबर, शिवम निधि DDD, पूजा गुलकर डी, रीता विलोडिया 1,000,000, विवेक डी, शंभुनाथ मेहता जी डी नंबर। तो क्वेश्चन था द प्राइस मनी ऑफ नोबेल प्राइज हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम दिस ईयर बाय हाउ मच। यानी कि नोबेल पुरस्कार की मूल्य राशि को इस वर्ष कितना बढ़ाया गया है। आपको बता दें इसका सही आंसर होगा 1,000,000 क्राउन्स। यानी कि इस साल के प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार की विजेताओं को अतिरिक्त 1,000,000 क्राउन यानी कि लगभग हम बात करें तो $110,000 मिलेंगे और इस साल पुरस्कार राशि 10,000,000 क्राउन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल मेडिकल कमीशन हैज बीन कम इनटू एग्जिस्टेंस इन द प्लेस ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रॉम 25 सितंबर, वेयर इज इट हेडक्वार्टर। यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग 25 सितंबर से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थान पर अस्तित्व में आया, इसका मुख्यालय कहां है।
पहला ऑप्शन पुणे, दूसरा ऑप्शन बैंगलोर, तीसरा ऑप्शन हैदराबाद, चौथा ऑप्शन मुंबई और पांचवा ऑप्शन है न्यू दिल्ली। तो क्वेश्चन है कि नेशनल मेडिकल कमीशन हैज बीन कम इनटू एग्जिस्टेंस इन द प्लेस ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रॉम 25 सितंबर, वेयर इज इट हेडक्वार्टर्स। यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग 25वीं सितंबर से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थान पर अस्तित्व में आया, इसका मुख्यालय कहां है? पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई या न्यू दिल्ली? रीता विलोडिया 1 मिलियन। अच्छा, पिछला क्वेश्चन का है। विवेक डी, शंभुनाथ मेहता जी डी, रीता रेवाटी, पूनम जी मुंबई, अश्वनी आनंद डी डी डी, 816 न्यू दिल्ली, शिवम निधि डी नंबर, विवेक न्यू दिल्ली, विवेक न्यू दिल्ली, शंभुनाथ मेहता जी ई नंबर, रीता विलोडिया मुंबई, अश्वनी आनंद न्यू दिल्ली। तो क्वेश्चन था कि नेशनल मेडिकल कमीशन हैज बीन कम इनटू एग्जिस्टेंस इन द प्लेस ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रॉम 25 सितंबर, वेयर इज इट हेडक्वार्टर्स। यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग 25वीं सितंबर से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थान पर अस्तित्व में आया है, इसका मुख्यालय कहां है? तो मैं आपको बता दें, इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली। यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जिसको MCI कहते हैं, के स्थान पर नेशनल मेडिकल कमीशन देश के शीर्ष चिकित्सा शिक्षा और पेशे से शीर्ष नियामक के रूप में 25वें सेप्ट के अस्तित्व में आया है, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा अध्यक्ष हैं, ठीक है। NMC की बात करें, जिसे कहते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन, ये बना कब था? तो 25 सितंबर 2020 को। पर्पस क्या है? तो मेडिकल रेगुलेटरी एजेंसी, हेडक्वार्टर का न्यू दिल्ली और चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा। तो मैं आपको बता दें क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन था कि नेशनल मेडिकल कमीशन हैज बीन कम इनटू एग्जिस्टेंस इन द प्लेस ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रॉम 25 सितंबर, वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर। यानी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग 25वीं सितंबर से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थान पर अस्तित्व में आया है, इसका मुख्यालय कहां है? तो नई दिल्ली। यानी कि एब्रेविएशन हम देखें NMC का, तो क्या है? नेशनल मेडिकल कमीशन, जिसको जिस बना कब है? तो 25 सितंबर 2020। पर्पस है मेडिकल रेगुलेटरी एजेंसी के नाम से बनाया गया और हेडक्वार्टर का न्यू दिल्ली। चेयरमैन कौन है? डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2019 and 20 बाय AIFF, यानी AIFF द्वारा 2019-20 के लिए वर्ष के सर्वश्रेष्ठ या वर्ष के फुटबॉलर के रूप में किसे चुना गया है? पहला ऑप्शन है सुनील छेत्री, दूसरा ऑप्शन है गुरुप्रीत सिंह संधु, तीसरा ऑप्शन है सुनील छेत्री। दो जगह सुनील छेत्री, दोनों सुनील छेत्री लिखा गया है, खैर आप देख लीजिएगा क्या होगा कमेंट। और चौथा ऑप्शन है संजू यादव, पांचवा है बोथ BND। तो क्वेश्चन है AIFF द्वारा 2019-20 के लिए वर्ष के फुटबॉलर के रूप में किसे चुना गया है? AIFF क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि हु हैज बीन इलेक्टेड एज द फुटबॉलर ऑफ ईयर फॉर 2019 and 20 बाय AIFF, यानी कि AIFF द्वारा 2019-20 के लिए वर्ष के फुटबॉलर के रूप में किसे चुना गया है? पहला आंसर अदिति हर्ष EE, 816 गुरप्रीत सिंह, अश्विनी आनंद BBB, शंभुनाथ मेहता जी ई नंबर, रितिका अहूजा ई नंबर। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, बोथ BND, यानी कि इसमें आंसर गुरुप्रीत सिंह संधू भी होंगे और संजू यादव जी भी होंगे। याद रखिएगा, गुरुप्रीत सिंह संधू और संजू यादव दोनों हैं AIFF द्वारा 2019-20 के लिए वर्ष के फुटबॉलर के रूप में चुना गया है। भारतीय पुरुष टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू और महिला टीम के मिडफील्डर संजू यादव को 2019-20 सत्र के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF
एफएफ फुटबॉलर ऑफ द ईयर का विजेता घोषित किया गया है। ठीक, यही है संजू यादव जी और गुरप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हु हैज बीन अवार्डेड बाय द यामिन हजारिका अवार्ड, यानी क्वेश्चन है कि यामिन हजारिका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। पहला ऑप्शन है राणा साहबी, दूसरा ऑप्शन है भावना कंठ, तीसरा ऑप्शन है शिवांगी सिंह, चौथा ऑप्शन है मोहना सिंह जित्रीवाल और पांचवा ऑप्शन है सालिजा धामी। अश्विनी आनंद बीवीबी शंभुनाथ मेहता जी, ई नंबर रितिका आहूजा, ई नंबर विवेक सी पूजा गुलकर, ई स्टडी विद कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर सेवन आवर, सी नंबर, इतना बड़ा नाम रखोगे विवेक, ई नंबर। तो क्वेश्चन है यामिन हरारिका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, इसका आंसर होगा ए नंबर, याद रखिएगा राणा सफवी, यानी कि इतिहासकार राणा सफवी को केंद्रीय पुलिस सेवा में शामिल होने के लिए पूर्वोत्तर की महिला यामिन हजारिका की याद में एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सफवी जिन्होंने भारत की संस्कृति इतिहास और स्मारकों की कई पुस्तकें प्रकाशित की है, उन्हें उनके भारत की समकालीन संस्कृति में योगदान के लिए चुना गया था। तो मैं आप सबको बता दें कि मेरा एक सेशन आने वाला है रात के 10:30 बजे, रात के 10:30 बजे की, यानी कि ठीक हम 15 से 20 मिनट के बाद फिर से लाइव आने जा रहे हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, जो कि स्पेशल क्लास है और आप लोग जरूर उसे अटेंड करिएगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप के स्पेशल क्लास को जरूर अटेंड करिएगा। बस मेरा नाम याद रख लीजिएगा, रवि प्रताप कर्ण, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और इसी नाम से आपको क्लासेस दिख जाएगी। जैसे आप रवि प्रताप कर्ण सर्च करेंगे, आप जाएंगे ऑल में और सी ऑल, जब स्पेशल क्लासेस, वहां पर मेरी आज की क्लासेस दिख जाएंगी। अगर आपको आज का मेरा सेशन पसंद आया तो यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम पे जाइए, चैनल पर अच्छा सा कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा, जिससे कि क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप जैसे ही इंस्टॉल करेंगे, गोल अपना सेलेक्ट करेंगे, बैंक, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी, और मेरा रेफरल कोड यूज करिएगा RPK10। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, RPK10। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं आधे घंटे के बाद अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर स्पेशल क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।